नमस्कार भाई दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए, वारिस पंजाब दे यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। किसने बंद किया होगा ये आप सबको पता, और कैसे बंद करवाया होगा ये भी आप सबको पता होना चाहिए। नंबर किसी का भी आ सकता है, फेसबुक पर बंद किया था, यूट्यूब पर भी आ सकते हैं। हो सकता है उसमें कमियाँ रही होंगी, या तो लोगों ने मदद नहीं की होगी। भाई वीडियो को शेयर कर देते, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेते चैनल को। अगर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाते हैं ना, फिर बंद करना मुश्किल हो जाता है, वो फिर यूट्यूब अपने उसमें ले लेता है। आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देंगे, शायद बता देना कितने परसेंट सिखों को इसके बारे में पता है, स्पेशल सिखों को इस चीज़ के बारे में पता है या नहीं है। एक विनती भी है, विनती भी करेंगे एक, तो जीरा में जो फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री बंद करवाने के लिए पंजाब वाले किसान आंदोलन कर रहे हैं, भाई हरियाणा वाले भी पहुँचो, राजस्थान वाले भी पहुँचो, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जहाँ तक के किसान पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचो, क्योंकि सवाल फसल और नस्ल का है, फसल और नस्ल का सवाल है। जितने साथी आप जो भाईचारे ये सांझ बनी हुई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए वहाँ पहुँचो भाई, और जीरा जो फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री बंद करवा रहे ना, उसको बंद करवाने के लिए, क्योंकि पता है पानी अंदर जा, अगर कहीं ट्यूबवेल वगैरह लगा रहे हैं तो अंदर से शराब निकल रही है, गंदा पानी निकल रहा है, लोग बीमार होंगे, आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी, फसल तो खराब हो ही रही है। तो इसके लिए जितने साथी ज़्यादा वहाँ पहुँच सकते हैं पहुँचे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा। वो वकील साहब ने सब कुछ दिखाई दिया है, आपने न्यूज़ में देख भी लिया होगा, वहाँ पे पहुँचना चाहिए। एक जो दिल्ली में तुगलकी फरमान जारी किया एक एसडीएम ने तुगलकी फरमान जारी किया, रोहिणी में जो श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब है उसके लिए कि ये गुरुद्वारा साहिब सिर्फ संडे को खुलेगा, सिर्फ संडे को खुलेगा, बाकी दिन नहीं खुलेगा, और वो भी उसमें लिमिटेड। भाई कहाँ जाएंगे जो डेली पाठ करने वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात, गुरुद्वारा साहब के लिए अगर कोई फरमान आता है तो अकाल तख्त की तरफ से आता है, एसडीएम के पास में इतनी पावर कहाँ से आई कि उसने तुगलकी फरमान जारी कर दिया? एक चीज़ बता देते हैं एसडीएम साहब को, शायद ना पता हो तो, जो विदेशों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना, पढ़ने के लिए, अगर विदेशों में भी ऐसे ही गुरुद्वारा साहब को बंद कर दिया जाए ना, तो भूखे मर जाएंगे बच्चे, हजारों लाखों बच्चे गुरुद्वारा के लंगर छकते हैं, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। कितने ही अगर सभी गुरुद्वारों के लिए आप एक दिल्ली के गुरुद्वारे के लिए कर रहे हैं, फिर सभी गुरुद्वारा साहिब के लिए आप अगर ये आदेश जारी करो, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे किसी चीज़ को लेके आते हैं और फिर सभी जगह पे लागू कर देते हैं उस चीज़ को, सभी जगह पे लागू कर देते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या को करके देखते हैं एक बार, सबको पता है आंदोलन जो हुआ था कैसे हुआ था और कहाँ से उठा था, उसी का नतीजा है। जितने भी पंजाब के सिंगर आए थे उस आंदोलन के अंदर आए थे, सिंगर, एक्टर, उन सब के ऊपर ईडी की, सीबीआई की रेड लग रही है, उनके अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, ये सबको पता है, कर रहे हैं। फेसबुक पेज हमारा डाउन चल रहा है, चलने दो डाउन, कोई बात नहीं फेसबुक पेज की, यूट्यूब पर जुड़ जाओ भाई, जितने साथी जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, हम तो यहाँ से अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाना आप लोगों का काम है। एक बार मैंने एक जिक्र किया था अपने जो मुस्लिमों के कवि थे एक बहुत बड़े, अल्लाह यार खान जोगी, पता है जो अब ये दिसंबर का महीना चला हुआ है, और मुसलमानों को भी पता होगा, जितने मुसलमान उनको पता होना चाहिए, करबला का युद्ध, वो अपने जो रोजे रखते ना उन दिनों में भी याद करते हैं, उस करबला में इन्होंने अपने बच्चे तक कुर्बान किए थे, उसमें सबको पता है इस बात का। उसके लिए सिंगों के लिए एक बात बोली थी अल्लाह यार खान जोगी ने, बहुत कुछ लिख रखा उन्होंने, वो छुपा दिया गया वो इतिहास, लेकिन उनकी जो लाइनें है ना, दो लाइनें हर एक सिख को याद रखनी चाहिए, दो लाइनें, अपील करता हूँ सिंगों की करबला के लिए, अल्लाह यार खान जोगी ने बोला था, अपील करता हूँ सिंगों की करबला के लिए, कटवाए यहां बाप ने फरजंद खुदा के लिए, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह साहब के उसमें लिखा हुआ है ये उन्होंने, अगर किसी के समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, आपको बता देंगे लाइनों का मतलब क्या होता है। अब आते हैं जो बात किसी को भी नहीं पता है, वो आपको पता होना चाहिए, आप पीछे तस्वीर देख रहे हो दादा छोटू राम जी, पता है सिखो, आप जो ये हथियार रखते हैं, नियंग सिंगों को पता होगा, नियंग सिंगों को इस बात का पता है, आप जो ये हथियार रखते हो ना, शस्त्र रखते हो, गुरुओं ने भी बोला शस्त्रों के बिना इंसान भेड़ है, भेड़ों के समान है शस्त्रों के बिना, आप जो ये शस्त्र रख रहे हो ना, बाद में अंग्रेजों का जब राज हो गया था तो अंग्रेजों ने बोल दिया था कि नहीं शस्त्र नहीं रखेंगे, दादा छोटू राम ने कानून पास करवाया था भाई कि सिंह शस्त्र रख सकते हैं, दादा छोटू राम का कानून पास करवाया उड़ है, ये आपको पता होना चाहिए। संयुक्त पंजाब के बहुत बड़े नेता होते थे, चाहते तो संयुक्त पंजाब के प्रधानमंत्री बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन देख लो इन्होंने फिर बनाया दूसरे को, अपनी जगह दूसरे को प्रधानमंत्री बना दिया था, इनका कानून पास करवाया होगा जो आप ये शस्त्र रखते हो, नियंग सिंगों को इसके बारे में जानकारी है, शायद आपको जानकारी होनी चाहिए, सभी सिखों को जानकारी होनी चाहिए, दादा छोटू राम जी गढ़ी सांपला वाले,
इनकी दी हुई है। अब गड़ी साफ लागे दादा छोटूराम और संयुक्त पंजाब के इतने बड़े नेता होते थे, आप सोचो फिर रोहतक तो अपना आ ही गया भाई इसमें, संयुक्त पंजाब में जो बोल रहे हैं ना कि पंजाब के लिए क्यों बोल रहा है भाई, हिस्सा है हम पंजाब का, हिस्सा है हम पंजाब का, अलग कर दिए तो क्या हो गया, लेकिन खून तो एक है, DNA एक है, अलग तो कर दिए, अलग हो ये नहीं हम, इनकी देन है जो आप शस्त्र रखते हो। गुरुओं ने आदेश दिया था लेकिन बाद में तो कानून बनते हैं, कानून के हिसाब से चलती है ना दुनिया, ये बोलते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, हालांकि है नहीं, कोई आज़ादी नहीं है, आज़ाद देश के नागरिक गुलाम है हम, ये आपको भी पता है, सबको पता है, आप थोड़ी सी आवाज़ उठाओ अकाउंट सस्पेंड, चैनल बंद, सब कुछ बंद, केस कर देंगे, मानसिक प्रेशर देंगे, हर चीज़ का प्रेशर देंगे ये, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, हर एक सिख को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिस दादा छोटूराम को आप, जिनके बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, उतना ही कम है, बहुत सी बातें हैं ऐसी जो ये बोल के गए हैं, लेकिन उन बातों को हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, अमल में नहीं लाते उन चीज़ों को, अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। और अब इन्होंने तो अपना खेल शुरू कर दिया है, ये एक एक करके दबाएंगे अपनी जो भाईचारे की सांझ है, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे का सहयोग करो, अगर किसी को नाजायज दबाया जा रहा है उसकी आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ उसकी। अपील करता हूँ भाई अमृतपाल, भाई अमृतपाल सिंह खालसा, भाई लखा सदाणा, बलजीत कलसी, जितने भी अपने पंजाब के और जितने भी युवा हैं, जीरा जहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, जीरा फैक्ट्री, जीरा में वो बंद फैक्ट्री बंद करवाने के लिए, वहाँ आपको भी जाना चाहिए, जाना चाहिए आपको भी। हरियाणा के जो किसान आंदोलन में सहयोग साथ थे जितने भी, उनको भी जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो, नहीं तो ना फिर ढूंढते फिरोगे पंजाब की जवानी कहाँ गई, पंजाब हरियाणा की जवानी, जो संयुक्त पंजाब की जवानी है ना उसको मिट्टी में उड़ाया जा रहा है, फसल और नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है और तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आंखें खोल लो, आंखें खोल लो और अपनी एकता बढ़ा लो, आज बता रहे हैं आपको, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर हो जाएगी कि आपके समझ में भी नहीं आएगा। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, चैनल को सब्सक्राइब जो साथी करता है वो बेल आइकॉन को जरूर दबाए, बेल आइकॉन को जरूर दबाए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, जो भी होगा आपको सच बताएंगे, सच दिखाएंगे, बचा लो आने वाली नस्लों को, फसलों को बचा लो, अपनी जल जंगल और ज़मीन बचाने की जिम्मेवारी आपकी खुद की है, अपनी एकता बनाओ और अपने को बचाओ। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाना, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जो भी बताएंगे सच बताएंगे, दिखाएंगे सच दिखाएंगे, किसी का इंटरव्यू भी लेंगे ना तो सच्चे इंसान का इंटरव्यू लेंगे और उससे वही सवाल करेंगे जो जनता के मन में सवाल है, ऐसे किसी का इंटरव्यू नहीं डालेंगे, दूसरी चीज़ हम डालेंगे नहीं इसके ऊपर, लेकिन आपको बताएंगे साथ के साथ, आपको इतिहास की जानकारी भी देंगे, जो फिलहाल चल रहा है उसकी जानकारी भी देंगे। रिक्वेस्ट है जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा साथी वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ये ठंड का महीना देखो और ये देख लो आप, वो किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, सहयोग करो उनका, एक दूसरे का सहयोग करो, भाईचारा की जो सांझ है ना उसको और ज़्यादा बढ़ाओ। सभी साथियों को नमस्कार, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।